मिर्ची बॉलीवुड। संजय दत्त एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ड्रग्स के चलते अपना करियर खराब करना हो या फिर एक्ट्रेस के प्यार में धोखा मिलना, वो आए दिन कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा बने रहते थे। वहीं आज उनसे जुड़ी एक ऐसी बात हम आपको बताएंगे जिससे शायद ही आप वाकिफ हो। जी हाँ, तो चलिए करते हैं शुरू। संजय दत्त एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कई हिट फिल्म्स दी है। उन्होंने लोगों को मुन्ना बनकर हंसा हंसा कर लोटपोट भी किया और खलनायक बनकर सभी की सिट्टी बिट्टी भी गुल की। वहीं क्या आप जानते हैं कि आमिर खान की फिल्म मंगल पांडे पहली संजय दत्त को ऑफर हुई थी? जी हाँ, दरअसल असल में साल 1995 में फिल्म मंगल पांडे को किस्सा कारतूस के नाम से बनाया जा रहा था और इसमें संजय दत्त के साथ मनीषा कुराला को रखा गया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो फिल्म के शुरू होते ही संजय दत्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और जिसके बाद ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई थी। उसके बाद इस फिल्म को दोबारा शुरू करने का जब प्लान बना तो मेकर्स ने इस फिल्म का नाम तो चेंज किया ही, लेकिन साथ ही स्टार कास्ट भी पूरी बदल दी। जी हाँ, 2004 में ये फिल्म आई जिसका नाम किस्सा कारतूस से चेंज करके मंगल पांडे रखा गया। इस फिल्म में संजय दत्त नहीं बल्कि आमिर खान, रानी मुखर्जी और अमीषा पटेल नजर आए थे। तो देखा आपने कैसे संजय दत्त के हाथ से मंगल पांडे निकल गई थी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।